सोचा है कि ये वो गाजर का हलवा है। और तो आप सही है, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले आपको गाजर को धो के और छील के उन्हें इस तरह से कद्दूकस से उसे कसना है। तो गाइस हम लोग लगभग 1 या 1.5 किलो गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो हमने गाजर भी बहुत सारी कसेंगे, तो इसने भी अभी बहुत सारी गाजर है ये और ये, और कुछ हमारी इसमें गाजर भी रखी है। निकलो, निकल लिए। गाइस अब मैंने इसमें सारी सारी गाजर निकाल ली, अभी थोड़ी सी और बची है। इसके बाद हमारी पूरी प्लेट गाजर से भर गई है। इसके यमी यमी हम हलवा बनाएंगे। हमने गाजर अपनी ग्रेट कर ली है, हम कढ़ाई में डाल देंगे क्योंकि हम कढ़ाई में हलवा बनाएंगे। तो गाइस हम लोग ज्यादा इसलिए बना रहे हैं ज्यादा गाजर का, क्योंकि कभी खराब नहीं होता, ऐसे हम बहुत दिन तक चला सकते हैं 4-5। अब हम आपको रेशियो बताते हैं, अगर 1 किलो गाजर है तो उसमें 2 किलो दूध डालेंगे। तो अब हमने इधर मिल्क ऐड कर दिया और हमें इसके बाद इसे स्टिर करना है, मिलाना है जब तक गाजर और दूध सूख ना जाए। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे मिक्स करना है। 1.5 घंटा पकाने के बाद सारा दूध सूख जाने के बाद हमारा हलवा कुछ ऐसी स्टेज पे आ गया है। अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 किलो चीनी डालेंगे और आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। तो हम चीनी डाल रहे हैं, तो हमने कुछ इतनी चीनी डाल दी, ये और डालेंगे। हाँ, इतनी बहुत है, 1 किलो का जबकि चीनी है। और चीनी को बढ़िया से चलाते चलाएंगे और ये और जड़े चीनी चीज का ध्यान रखते हैं। बढ़िया मिक्स करने के बाद आपका गाजर हमने अपने सारे इसकी चीनी जो डाल दी, हमने सारी सुखाने की मिला दी। इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। अब देसी घी डाल के सब बढ़िया से भून लेंगे। 50-60 ग्राम हमें देसी घी डालना है और फिर से ढंग से भून देना है। इसके बाद हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये रहे हमने इलायची डाल दी। तो गाइस जब हमारा ये हलवा पूरी तरह से तैयार है और कुछ ये ऐसा दिख रहा है, आपको भी ऐसा ही पकाना है। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमने इसे ताजे गैस पे से निकाल के एक बाउल में डाल दिया और देखो कितनी इसके अंदर से भाप निकल रही है। सर्दियों का टाइम और गरम गरम गाजर का हलवा दिखता है तो सर्दियाँ पूरी लगती है। तो गाइस मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए मेरे साथ। और ये मैंने हैप्पी न्यू ईयर पे बनाया, आप लोगों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बताएं आप लोग अपने हैप्पी न्यू ईयर पे क्या कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं हमें। और आप लोग बहुत खुश रहें, आपका ये साल पूरी खुशियों से भरा हो। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हैप्पी